हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीप्ति। गुड मॉर्निंग सर। दीप्ति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, उधर से कुछ बोले। पढ़ाना गुड मॉर्निंग सर। पड़ेगा, बढ़ा दीजिए ना। गुड मॉर्निंग, बढ़ा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखिए आपका दिख रहा है, आपका आप इसका क्लास लीजिए। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, अभी बस ऐसे रहने दीजिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप चुपचाप पढ़ाते चल रही है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगा। हाँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। देखो, आज हम लोग संधि और उपसर्ग का अभ्यास करेंगे। सारे बच्चे कॉपी निकालें और देखिए, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, संधि विच्छेदन को उपसर्ग उपसर्गम संयोज विभाज्य बार लिखा। कॉपी निकालेगा बच्चा, और अभी हम संधि विच्छेद बनाने के लिए देंगे और उपसर्ग, संधि विच्छेद तोड़ना भी जोड़ना भी, उपसर्ग तोड़ना भी जोड़ना भी। कॉपी निकालो सारे बच्चे और लिखिए। संधि विच्छेद, उसके बाद उपसर्ग, रवि प्लस इंद्र, महा प्लस ईशा, नर प्लस अस्ति, देवेश, रजनीश, अत्याचार। दिख रहा है सबको? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए, जो तोड़ा हुआ है उसको जोड़ कर दिख रहा है, जो जोड़ा हुआ है उसको तोड़ कर दिख रहा है। स्वर संधि के दीर्घ संधि जो हमारे पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। कहीं हमारा दीर्घ संधि का भी उदाहरण दिया हुआ है, कहीं गुण का भी है, कहीं यण का भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है कि दीर्घ है, गुण हेमंत तारकू,
स्वाहा बहुत सभा सुक्ति सदैव परमेश्वर गंगोदकम जलोर्मी। ये हो गया इतना संधि विच्छेद का अभ्यास करना है। इसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग में भी वही बात होता है। उपसर्ग को हम तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, यानी उपसर्ग अब जैसे है अत्याचार, तो अति उसमें उपसर्ग है, अति प्लस आचार। प्रवेश प्र उपसर्ग है, प्र प्लस वेश। परित्यज्य परि उपसर्ग है त्यज्य। प्रतिदिनम प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस दिनम है ना। इस प्रकार आगच्छति आ प्लस गच्छति, आ उपसर्ग है, गच्छति हमारा मूल शब्द है जो भी है, तो उपसर्ग को तोड़ना या जोड़ना यही एग्जाम में आता है, तोड़ने के लिए भी और जोड़ने के लिए भी। अब उपसर्ग वाला लिखेंगे। संधि विच्छेद में देवेश के नीचे क्या है? बोलो सर, देवेश के नीचे क्या है? देवेश के नीचे रजनीश है और रजनीका के नीचे अत्याचार है। रजनीश अत्याचार है, दिख रहा है? यस सर, अब आगे। हाँ ठीक है, अब हम लोग उपसर्ग बनाएंगे। उपसर्ग का भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। परित्यज्य प्रत्येकं अनुसरति आ प्लस गच्छति अति प्लस आचार परा प्लस भवः। इसको जोड़ कर लिखेंगे, इसको जोड़ कर लिखेंगे, इसको जोड़ कर लिखेंगे, बाकी को तोड़ेंगे। संयोज विभाज्य वालिका, जोड़ कर लिखिए या तोड़ कर लिखिए। इतना उपसर्ग है, इसको अलग करिए, और इतना संधि विच्छेद है, इसको बनाइए। दिक्कत हो बच्चा पूछेगा, प्रयास सब बच्चा करेगा खुद से बनाने का।
रुचि कुमारी कुछ कहना चाह रही है? सर उपसर्ग साइट का नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है। संधि लिख लिया? संधि लिख लिया कॉपी में? यस सर हो गया वो। ठीक है, थोड़ा उपसर्ग साइट की तरफ। यस सर। देखिए दिख रहा है उपसर्ग वाला? यस सर दिख रहा है। हाँ, उसको कॉपी में पहले उतार लीजिएगा, है ना। स्क्रीन पे इधर उधर हो जाता है, मोबाइल या लैपटॉप तो कभी इधर उधर हो जाता है। कॉपी पे जो दिख रहा है उसको पहले लिख लीजिएगा, तब उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके पहले कॉपी पे उतारिए उसको। ओके सर। हाँ फाइन। हाँ हम हट जा रहे हैं, लिखिए। सारे बच्चे इसको बनाएगा, अगर दिक्कत हो तो पूछेगा भी, लेकिन प्रयास सब कोई करेगा। संधि विच्छेद करेगा तो बच्चा बगल में नाम भी लिखेगा कि कौन सा संधि है, वो दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि आदि है कि गुण संधि है, जो भी आपको लग रहा है वो भी बगल में लिखिएगा। बच्चे बना रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं संधि का, उपसर्ग का। बन रहा है बच्चों? किसी को कुछ पूछेगा ऐसे नहीं, और केवल कॉपी चोरी करके नहीं बनाना है, क्योंकि घर पे सारा मटेरियल पड़ा हुआ है आपका। अभी का अभी अभ्यास कीजिएगा, दिक्कत होगा मुझसे पूछिएगा, चोरी नहीं करिएगा, ईमानदारी से बनाना है। आपको जो पूछना है हमसे पूछिए, लेकिन चोरी मत करिएगा।
इतना टाइम और चाहिए, टाइम ज्यादा हो रहा, इतना से ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट और देंगे इसको बनाने के लिए। 15 मिनट हो गया, 5 मिनट में ये बन जाना चाहिए। आपने पूरा लिख लिया इसको कॉपी में दीप्ति? यस सर, लिख लिया। हाँ तो अब इसको मैं मिटाऊंगा, थोड़ा देर और रख रहा हूँ, बच्चे सब लिख लें और मैं इसको बनाऊंगा, तो वर्ड आप ही को बोलना होगा किसके बाद क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ ओके सर। आप वर्ड बोलते जाइएगा, मैं यहाँ बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे बोर्ड पे जितना जगह है वो फुल है, बनाने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। सारे बच्चे कॉपी में पहले उतार लेंगे फिर बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि हम मिटाएं तो आपके पास रहे। सर एक संधि विच्छेद का सर सेकंड वाला नहीं दिख रहा था, वो एक बता दीजिए ना क्या है। ऊपर से मैं रीड कर रहा हूँ, महाशय दिगंबर रवि प्लस इंद्र महा प्लस ईशा न प्लस अस्ति। सर हो गया, सर हो गया, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसको भी दिक्कत होगा बोलिए, मैं डिक्टेट कर दूंगा। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है लिख लेगा, 2 मिनट में मिटाएंगे, फिर इसको कितना बच्चे को बना नहीं बना सब मिलाएगा हमसे। स्टूडेंट्स आर यू रिटेन? यस सर। ओके कैन आई इरेज इट? यस सर। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाने का। जो बच्चे बना लिए हैं वो मिलाएंगे उनका सही है कि गलत, जो नहीं बनाया वो बनाएंगे और जो बना लिया है वो मैच करेगा। पहला वर्ड बोलो, दीप्ति बोलते जाएगी, पहला वर्ड क्या है सर? महाशय। महाशय महा प्लस आशय, जो बच्चा बना लिया वो मिलाएगा। बगल में हमको ये लिखना है कि कौन सी संधि है, किन दो वर्णों के मेल से हुआ है, यदि लिखना है तो महा में आ रहा है, आशय में आ दिख रहा है, यानी यहाँ पर संधि हुई आ प्लस आ बना भी आ, ऐसे लिखने का बगल में, ठीक है? और ये मेरा संधि का नाम हुआ दीर्घ संधि, ऐसे आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं बोर्ड पर लिखा हूं, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? हाँ तो ऐसे आंसर लिखेगा जैसे हम लिखे हैं, अंडरलाइन कीजिएगा, प्लस के पहले वाला का लास्ट, प्लस के बाद वाला का फर्स्ट, और फिर यहाँ दोनों बार लिखेगा, दोनों मिलने से क्या बना वो लिखेगा, फिर संधि का नाम लिखेगा, ठीक है?
ऐसे करिएगा तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ऐसे समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बोलो। दिगंबर। दिगंबर डी प्लस अंबर। यहाँ पर व्यंजन संधि है, का गा हो गया और ये आज स्वर उसमें मिल गया, पूरा गा बन गया। ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है दिगंबर। ये हमारा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। ये हो गया का गा हो गया, यहाँ आ है और उसमें स्वर मिल गया, इसलिए गा पूरा हो गया। चलो अगला बोलो। रवि जोड़ इंद्र। हाँ, रवि जोड़ इंद्र, तो मेरा वर्ड बन गया रविंद्र। रविंद्र, हाँ उसमें क्या था, रवि में छोटी और इंद्र में छोटी, दोनों मिलकर बड़ी, यानी ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। विजिबल ऑल स्टूडेंट, विजिबल ब्लैक बोर्ड। यस सर। और नंबर बोलो। महाजोड़ ईशा। महाजोड़ ईशा महेशा, महाजोड़ ईशा तो लिखा हुआ है, हम लिखेंगे महेशा। मिला इसमें कौन कौन, तो महा में आ था, ईशा में ई बड़ी, आ ई मिलके ए बन गया, ये हमारा गुण संधि का एग्जांपल हुआ। क्योंकि गुण संधि में हम लोग पढ़े हैं ए ओ आर गुण, गुण संधि का जो विकार होता है ए ओ आर गुण, तो यहाँ पर विकार हमारा ए है, आ प्लस ई बराबर ए, ये गुण संधि का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट बोलो। ना जोड़ अस्ति। ना जोड़ अस्ति, ना जोड़ अस्ति नहीं हुआ, ना जोड़ अस्ति इसका जो नास्ति, ना जोड़ अस्ति, हाँ इसका जो नास्ति, इसमें ना में आ है, अस्थि में आपको दिख रहा है, दोनों मिलके आ हो गया और ये एग्जाम्पल हुआ हमारा दीर्घ संधि का, स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि का। ठीक है, ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा, कंजूसी नहीं करिएगा लिखने में, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए। चलो अगला बट बोलो। देवेश। देवेश देव प्लस ईशा। देव में वा में आ है, ईशा में बड़ी आपको दिख रहा है, यानी आ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए, कौन संधि का एग्जांपल हुआ, अब आप लोग बताइए संधि का नाम क्या हुआ, आप लोग बोलिए, कोई बता दे। दीप्ति, और कोई स्टूडेंट जो जुड़ा हुआ है, स्नेहा, अदिति, हर्षिता, आर सिन्हा, अमित कुमार, यहाँ पर क्या लिखें आप लोग बताइए, सरहानी बोले सर गुण संधि होगा देवेशा सर, गुण संधि, संधि का नाम बोलिए जल्दी से सर, गुण संधि, गुण संधि, अभी ना बताए कि ए ओ आर विकार होगा तो गुण कहलाएगा, ये देखिए ऊपर वाला महेश में आप सर, गुण संधि, गुण संधि, ए विकार जहां भी रहेगा गुण होगा, ओ विकार जहां भी होगा गुण होगा, आर विकार जहां भी होगा गुण होगा। ठीक है, ये गुण संधि का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट, अगला बोलिए। रजनीश। रजनीश, ठीक है, रजनी प्लस ईशा, इसमें किन किन दो वर्णों की संधि हुई, अंडरलाइन जरूर कीजिए ताकि पता चले कि यहीं पे वो स्वर मेरा है, ई प्लस ई बराबर ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी, ये हमारा हुआ दीर्घ संधि का उदाहरण। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगला वर्ड बोलिए। अत्याचार। अत्याचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार।
चारण। ये हमारा यण संधि का उदाहरण है जिसमें हम लोग पढ़े हैं ई का या उ का व री का र और री का ल हो जाता है। तो यहाँ अति में जो ई की मात्रा है ता में लगा हुआ वो या में कन्वर्ट हो गया और प्लस के बाद जो हमारा आ है वो या के साथ जुट के आ बन गया जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये मेरा संधि का नाम हो गया यण संधि। अति जोड़ाचारण ई का या उ का व री का र और री का ल हो जाता है यण संधि में। तो यहाँ पर ई का या बना, ये मेरा यण संधि का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अब मैं मिटा रहा हूँ उपसर्ग वाले को, जगह सर परमेश्वर मिटा रहा हूँ उसको। बच्चा लिखेगा इसको, सारे बच्चे नोट करते चलिए, जिनसे नहीं बना जिनसे बना वो मिलाते चलिए, करेक्ट करते चलिए और इसी प्रोसेस में लिखते चलिए जैसे मैं लिखा हूं बोर्ड पर, दो वर्णों को अलग अलग इंडिकेट करते हुए। चलो अगला नंबर बोलो बच्चा। परमेश्वर परमेश्वर परम ईश्वर ईश्वर परम में आ है ईश्वर में ही आपको दिख रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे आ प्लस ई बराबर ए। कौन संधि हुआ, संधि के नाम आप बोलिए, कौन संधि, एनीबडी एल्स, क्रिश, आशीष रंजन सर, गुण संधि, गुण संधि सर, गुण संधि मेहराल जैसा इतना काला धूप के ले रहे काफी मेहराल है, गुण संधि। नेक्स्ट अगला वर्ड सदैव, सदैव सदा प्लस एवं, सदा में आ है एवं में ए आपको, ये वृद्धि संधि है, आ प्लस ए इक्वल टू है, कौन संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में स्वर की वृद्धि होती है, ए का है ए का ही रह जाता है, ओ का आओ आओ का आओ ही रह जाता है। अंशु कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है अंशु, रेज योर हैंड किए हुए है, उसको अनम्यूट करते हैं थोड़ा। यस सर, अंशु का अनम्यूट हो गया, बोलो अंशु कुछ कहना चाह रहे हैं, बस बोलो सर। आप रजनीशा, सर आप रजनीशा में क्या लिखे नहीं दिख रहा है। अच्छा रजनीशा में लिखे हैं ई रजनी प्लस ईसा, ई प्लस ई इक्वल टू इस, तीनों बड़ी सर, ब्लैक बोर्ड नीचे वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, यस सर दिख रहा है, ठीक है, यस सर ठीक है। सदा जोड़ेगा सदा, अभी बच्चों ने बताया वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आप ऊपर में जो लिख रहे हैं सर वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा, दिखेगा पहले नीचे वाला देख लिए, थोड़ा सा कर देंगे, हमारे पास जगह जितना है उसको हम यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ ऊपर कुछ नीचे हो जा रहा है। हाँ सदैव, बाकी हम डिक्टेट कर देंगे, अगर कोई एक आध वर्ड नहीं दिखेगा तो मैं उसको डिक्टेट कर दूंगा, आप बोलिएगा मैं बोल दूंगा। चलिए सदैव के बाद बोलिए, तो सदैव के बाद सुक्ति, सर सुक्ति, सुक्ति सुक्ति प्लस सुक्ति, इसमें क्या हुआ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ है ना, सुक्ति लिखते हैं तो बड़ा ऊ की मात्रा देते हैं बड़ी ऊ, तो यानी छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ इक्वल टू बड़ी ऊ, ये हमारा हुआ दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि।
ये मेरा दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ, ठीक है। Yes, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वधुत्सव, 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 वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ी की मात्रा, उत्सव में छोटी की मात्रा। अब यहां लिखेंगे बड़ी यू प्लस छोटी यू इक्वल टू बड़ी। अब ये संधि का नाम क्या लाएगा? दीर्घ संधि। ये संधि का नाम हुआ दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा प्लस आहा। सू प्लस आहा सामने की मात्रा है, बताए एक संधि में ऊ का वा होता है, ऊ वा में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है, ऊ वा में कन्वर्ट कर जाता है। तो वा हो गया, अब प्लस के बाद आ है, तो वा में जब आ लगेगा तो वा बन जाएगा, यहाँ पर बना वा, और ये संधि का नाम हो गया यंग संधि। ठीक है। नेक्स्ट वहां के बाद हेमंत तंतु, हेमंत तंतु, हेमंत तंतु। आर हमारा जो है वो गुण संधि होता है, हेमंत प्लस ऋतु है ना, इसमें क्या हुआ अ प्लस ऋषि वाला री, आ प्लस ऋषि वाला री मिलके बन गया आर। ये संधि का नाम हो गया गुण संधि है ना। काम यहाँ है ऋषि वाला री है, आ और री मिलके बन गया आर है ना, ए ओ आर गुण, एक संधि का नाम हुआ गुण। और बोलिए आगे गंगोदकम। हाँ सर गंगोदकम, गंगोदका, गंगा प्लस उदकम, उदकम है, उदकम में रू है, यानी आपको लिखना चाहिए आ प्लस उ बराबर ओ। कौन सा संधि, संधि का नाम तुम लोग बोलो। आ प्लस उ बराबर ओ बन गया संधि का नाम सर गुण संधि। गुण संधि एक, ओके फाइन। नेक्स्ट वर्ड सर जलोर्मी, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जल जोल उर्मी, आ जल प्लस बराबर इसमें हुआ आ उर्मी में ऊ बड़ी ऊ दोनों मिलकर बना ओ। संधि का नाम क्या होगा, संधि का नाम क्या होगा इसमें, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। ऊपर वाले में वो गुण होगा तो नीचे वाला भी गुण होगा। यस सर गुण। चलो नेक्स्ट बोलो सर, इसके बाद वो उपसर्ग वाला है। हाँ उपसर्ग वाला, सारे बच्चे इसको लिख लें, मिला लें, अगर जो बनाए हैं जो नहीं बनाए वो बना लें। दो मिनट का टाइम दिया, दो मिनट बाद इसको इरेज करेंगे तब उपसर्ग वाला। दो मिनट सारे बच्चे देख लीजिए, किसी का छूटे नहीं, हम उस साइड से लेफ्ट साइड से मिटा रहे हैं। उपसर्ग वाला बोलिएगा, उपसर्ग वाला इधर वाला सारे बच्चों लिख लिया ना, लेफ्ट साइड वाला। यस सर। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना। अच्छा ठीक है। यस सर। इसको हम क्या रहे हैं, यस सर हो गया डन सर। अब हम लोग उपसर्ग को बनाएंगे, ठीक है। चलिए उपसर्ग वाला वर्ड बोलिए, हमको डिक्लेयर कीजिए।
पहला परित्यज्य, परित्यज्य हमको वेल नोन है कि उपसर्ग हमेशा पहले लगा होता है, तो परि को अलग करेंगे, परि प्लस त्यज्य। सेकेंड, दूसरा प्रत्येकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम में जैसा उसका उपसर्ग हुआ वैसा ही उसका संधि विच्छेद भी होता है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ, अगर इसका संधि विच्छेद किया है तो ऐसे ही कर देना है, और उपसर्ग भी अलग करने किया है तो ऐसे ही कर देना है, दोनों स्थिति में आपका अनुसर्ती। नेक्स्ट, तीसरा बोलो अनुसर्ती, अनुगच्छति, नो सर अनुसर्ती, अनुसर्ती, अनुसर्ती में अनुसर्ग है, प्लस सर्ती है, और नंबर बोलो आ जोड़ गच्छति, आ जोड़ गच्छति इक्वल टू आ गच्छति, आ उपसर्ग किसमें लगा है, आ गच्छति, आ गच्छति। चलिए नंबर 5 बोलिए, अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार, अत्याचार, इसका संधि विच्छेद भी वही होगा और उपसर्ग भी वही होगा। पराजोड़ भव, पराजोड़ भव इसका भी पराभव, 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 पराजय, पराजय, पराजय लिखा हुआ है, परा उपसर्ग है, ठीक है। 8 नंबर बोलिए उत्थाय, उत्थाय, उत्थाय में उपसर्ग है, इसको हम तीनों तरह से तोड़ देते हैं, तीनों तोड़ देते हैं।